लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्यामा, दुनिया में हर इंसान को दो चीज की भूख होती है। किस किस की? एक दौलत की और दूसरे मोहब्बत की। मोहब्बत तो मुझे मिल गई, बाकी रही दौलत तो वो भी एक न एक दिन हासिल करके छोड़ूंगा, समझी? माफ करना मिस्टर। क्या है? आजकल मोहब्बत यहाँ वहाँ, बाग में, बाजार में, थिएटर में, दफ्तर में, हर जगह बिखरी पड़ी है, लेकिन वेल्थ, आई मीन दौलत नहीं। अरे ओ मिस्टर मछली मार, दौलत तो सब जगह है, हथियाने वाला चाहिए। लेकिन वो कोई धोखेबाज या बेईमानी होगा? अरे कोई सबकी मालूम होता है, चलो चले यहाँ से। रंग में भंग कर दिया उल्लू का बच्चा। अच्छा एक बात पूछूं? अरे मेरी जलेबी दो पूछ। तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुझसे शादी करने के लिए, तुझे पाने के लिए। दौलत आ जाने दे, फिर देखना मैं किस थर्ड से शादी करता हूँ। वो दिन कब आएगा रे? अरे वो दिन आने के लिए तो ये दिन जा रहे हैं। और हाँ श्यामा, एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या? एक दोस्त की शादी में शरीक होने कल मैं बंबई जा रहा हूँ। बंबई? मेरा भी मन करता है। अरे हाँ हाँ, दौलत आ जाने दे, शादी यहाँ करेंगे और हनीमून बंबई में। अरे मेरे देवी कन्या कनक संपन्नम कनक भरणीरताम दाशा विविष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोक जिगेशया कन्या ममाग्रतो ब्रूयात् कन्ये मे देविपाशयो कन्ये मे सर्वतो ब्रूयात् दत्तानां भूषमाप्यात् क्या बात है? क्या शादी करने से पहले आपने दुल्हन की सूरत देखी थी? अरे मैंने तो उसके बाद दौलत देखी थी। तो क्या आप मेरी शादी नोटा से करना चाहते हैं? क्या पागलपन है शेखर, शादी के बाद तमाम जायदाद दौलत का मालिक बन जाएगा मेरे बेटे। दौलत चाहिए तो आप ही कर लीजिए शादी। हाँ मुझे नहीं करनी है शादी। बेटे को रोकू? अरे मेरी इज्जत का सवाल है। अरे शेखर को फिर बेटी, अरे मेरी छाती फटी जा रही है। भगवान, तूने मेरी बेटी को गुण दिया, अरे तूने रूप क्यों नहीं दिया? बैठिए, बैठिए, आप तो बैठ जाइए मेरे पास। सेठ, जाने दीजिए उस सुंदरता के भूखे भिखारी को, मैं उस पढ़े लिखे जाहल को सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं इसी मुहूर्त में आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम कौन हो बेटा? जी मैं एक अच्छे खानदान से हूं, पढ़ा लिखा हूं, सोशल वर्कर हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसी वक्त आपकी बेटी की आंखों से बहते हुए आंखों को पोंछने के लिए तैयार हूं। तुम धन्य हो, मेरी लाज बचाने वाले देवता हो। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। और बेटा बैठो, बेटी बैठो। पंडित जी तदमानं भवति तदा युक्तेन्द्रे प्रदेदेक्तदे। अरे बेटी श्यामा। क्या है काका? तुमने कुछ सुना क्या? अरे तेरे गोपाल ने एक अमीर आदमी की बेटी रूपा से शादी कर ली। क्या कहा? शादी करनी? बेईमान सगाबाज। श्यामा, श्यामा, अरे तुम आ गए? आ गया मेरी गंडेरी। जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो तुम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम जैसे धोखेबाज से बात नहीं करना चाहती। जाओ तुम उसी। मेरी बात तो सुन, सुन मेरी बात।
सोच, अगर मेरे मन में जरा भी फर्क होता तो मैं मौका मिलते ही भाग कर तेरे पहलू में आ जाता। मुझे जलाने आए हो, सताने आए हो? नहीं श्यामा, मैं तो तुझे बताने आया हूँ कि भगवान किसी को छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन मुझे उसने शादी का मंडप दान कर दिया है और ये सब मैंने तेरे लिए किया है। मेरे लिए उस रूपा से लगन किया? उस रूपा नाम की कुरूपा से तो सिर्फ एक सुहाग रात का जहर दिया है, और वो भी इसलिए कि हर रात तेरे साथ प्यार का अमृत पी सकूं। और वो मेरी सौत? हमारी मोहब्बत अपने आप उस सौत की मौत का रास्ता बना देगी। ये ले, ये पहन ले, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। कब तक? उसका बूढ़ा बाप दिल का मरीज, बस दिल का आखिरी दौरा पड़ रहा था। ले अपने हाथ से पहना। गोपाल कहाँ है? डॉक्टर के पास गए, अभी आते हैं। अच्छा, वो लोग आ गए। ये लो रूपा, रूपा डॉक्टर की राय कि अगर पिताजी को हवा बदलने के लिए किसी हिल स्टेशन पर भेज दिया जाए तो इनकी सेहत बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कामकाज का क्या होगा? उसकी चिंता न कर, कुछ मैं जो हूँ। ठीक, मैं ही चला जाऊंगा। तो बस ठीक है। ढूंढ लिया है कहीं न बेटी श्यामा। क्या है दादा? अरे तेरे मामा ने उस हरामी के पिल्ले का पता लगा लिया। मामा कहाँ है गोपाल? अरे लंगूर के हाथ में अंगूर, खुदा की कुदरत बम्बई में है। मामा उसका तुम्हारे पास पता है? बम्बई में? पिताजी अपनी बेटी रानी को देखिए, मैं कितनी अभागी हूँ। आपकी गोदी रानी को खेलते हुए न देख सकी। आपने मेरी कार जिंदगी भर तकलीफ उठाई। ये रोना धोना कब तक लगा रहेगा? जब देखो रोती रहती हो, जैसे बस दुनिया में तुम्हारा ही एक बाप मरा। रोना तो मुझे चाहिए, तुम्हारे बाप के मरने से तुम्हें तो लाखों की जायदाद मिल गई, मुझे क्या मिला तुमसे शादी कर? ये सब कुछ आप ही कर दो, मैं तो सिर्फ आपकी दासी हूँ। दास तो मैं बन गया, शक्ल ना सूरत और उस पर हर वक्त रोना। कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। साहब आपकी चिट्ठी। गोपाल दास, तुम समझते होगे कि औरत मोहब्बत में धोखा खाकर रोने के सिवा और क्या कर सकती है, लेकिन मैं खामोश बैठने वाली औरत नहीं। मैं एक साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही, सातवें दिन बंबई पहुंच रही हूँ। तुम्हारी श्यामा। रूपा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी कितने धर्मात्मा आदमी हैं। कल उनकी बरसी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना नदिया के पार शिवनाथ मंदिर में जाकर तुम कोई दान पुण्य कराओ जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या ख्याल है तुम्हारा? इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैं यही कहने आया था, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। श्यामा रानी, खत मिला, दिल की बेकरारी को करार आया। तुम्हारे बिना मैं सुख से हूं, तुम्हारा ये सोचना मुझ पर जुल्म है। तुमने लिखा तुम आ रही हो, लेकिन मैं उससे पहले खुद आ रहा हूं। अकेली रूपा को बच्चे के साथ नाव में भेजकर, नाव में जाते वक्त
गोपाल बाबू मामा की आंखें तरस रही थी। साहब आपसे अभी मिले हैं। मुझसे? मैं अभी आया। अरे बेटी तुझे दुल्हन देखकर तेरी मामी की याद आ रही है। क्या? भगवान की लीला, गोपाल दास जी आपकी बच्ची नदी में डूबने से बच गई। मेरी बच्ची? नहीं नहीं, मेरी कोई बच्ची नहीं। इस लॉकेट पर आपका नाम खुदा है और अंदर आपका फोटो। लो सरकार, संभालो अपनी बच्ची को। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी दयाराम। दयाराम, मुझ पे इतनी दया करो, इस बच्ची को इस वक्त अपने साथ ले जाओ, इसकी अच्छी तरह से परवरिश करना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। ये लो। क्या पता है तुम्हारा? सिंधुपुर अंबा के मंदिर से लगा हुआ मेरा घर है। ठीक है ठीक है, मैं जल्दी वहां आऊंगा, हर महीने आता रहूंगा। 3-4 साल के बाद इस बच्ची को किसी हॉस्टल में डाल दूंगा। इस वक्त तुम जाओ और सुनो, इस बात का किसी जिक्र न करना। जो आप क्या? अब तो हमारी बेटी मोटर वाली हो गई है। बंबई में आ तो मामा को बिठाना। Thank you.
बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपनी बहन बनाने की बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? क्या कहा?
जो आपने पूछा। चोरी और सीना चोरी। चोरी और सीना चोरी तो आप कर रही हैं। जरा गौर से इस भोले वाले मुखड़े की तरफ देखिए। मजाक करते हो? क्या लिखा है तुम्हारे चेहरे पे? सब कुछ लिखा होगा, पढ़ लोगी समझ जाओगी। जैसे जैसे मैंने आपके चेहरे की लकीरें पढ़कर सब कुछ समझ लिया। क्या समझ लिया? ये आपके चेहरे पर आया हुआ गुस्सा जैसे चांद पे छाए हुए छोटे से बादल की तरह, आपका मन जल की तरह निर्मल, आपका दिल फूल की तरह कोमल और आपका स्वभाव। बकवास बंद करो, मैं अभी चौकीदार को बुलाती हूँ। शुभा भैया। अरे तुमने तो मेरी जाने निकाल दी थी। क्यों? तुमने आगे आंखें बंद कर दी। पहले यहाँ मेरी बोलती बंद थी, यहाँ आते ही इनके अदालत का मुजरिम बन गया। अरे भैया ये तो मेरी सहेली है, हम दोनों साथ ही रहते हैं, इसका नाम है रानी वाला। अरे तुमको कैसे मालूम? खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। रानी वाला है ना, मेरा नाम है। बस, मुझे मालूम है। मालूम है? कैसे मालूम है? खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, नाम को भी जान लेते हैं कयाफा देखकर। राजेश बाबू। वाह भाई, तुम दोनों ने तो पहले ही से पहचान कर ली। वैसे तो शोभा पहले जान जा रही थी, पहचान तो अब हुई है। आपने बातें कीजिए, मैं अभी आई। अजी वाह, बहुत खूब। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल रही थी और अब खुद बाहर जा रही है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, पिताजी को जरा खत लिखना है, अभी आई हूँ। पिताजी ने फल भेजे। किसकी चिट्ठियां हैं? रानी। रानी? कौन रानी? वो एक उजड़ी हुई रियासत की रानी, बहुत देर पहले उससे सौदा किया था, उसकी अदायगी के लिए जाना है। मुझे भी ले चलो, मैं भी देखूंगी रानी को। तुम क्या करोगी जाकर, खामखाई तकलीफ होगी। आज शाम को मैं जा रहा हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। लो चाय पी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा रानी, ट्रेन का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। रानी बेटी। डैडी। डैडी। कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ डैडी, आपके दर्द का क्या हाल है? बेटा जब तक जिंदगी है दर्द तो लगे रहेंगे। अच्छा तेरे पर्चे कैसे हुए? एकदम फर्स्ट क्लास। गुड। अगर पास नहीं हो जाओगे अपने डैडी के साथ कैसे रहूंगी? बेटी तुझे अपने से अलग रखकर हमें खुशी नहीं होती, बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर आप आंटी से कह क्यों नहीं देते कि हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी? आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? बेटी तू अपनी आंटी को नहीं जानती, मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने तेरे लिए एक अलग बंगले का इंतजाम कर दिया है। आ गई बेटी। पिताजी। बेटी इम्तिहान हो गए? वो तो कब के हो गए, आपने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्या बताऊं बेटी, कुछ ऐसी खटपट में पड़ गया था कि फुर्सत नहीं मिली। कैसी खटपट? बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। मुझसे तेरा अकेलापन नहीं देखा जाता, इसलिए बहुत जल्दी। भाभी लाएंगे? राजेश शादी के लिए तैयार नहीं है, सोचता हूँ कि कहीं शोभा की शादी कर दीजिए। पिताजी मुझे शादी नहीं करनी। बच्चों को समझाने के लिए माँ की सख्त जरूरत। कैसी है मेरी बागड़ बिल्ली? हाँ घुच्चू। सुना तेरे कॉलेज की क्या हालचाल है? तुम किसके लिए पूछ रहा? मेरा मतलब है तेरे प्रिंसिपल, तेरे प्रोफेसर, तेरी सहेलियां और तेरी वो क्या नाम है, वो तेरी जो रूम में वो क्या नाम है उसका। इतना घुमा फिरा के क्यों पूछते हो? अगर पूछना ही है तो सीधे सीधा पूछो ना कि रानी कैसी है। हाँ हाँ महारानी, रानी जो कुछ भी उसका नाम है, कैसी है? भले चंगी है, मैं अपने घर चली आई, वो अपने घर चली गई। जरूर चली गई होगी। और कुछ पूछना है जल्दी पूछो। शोभा बात ये है कि मेरे आने के बाद क्या वो मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल गुजू, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नो ला नो।
क्यों? अच्छा है ना बंगला? बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। क्यों? जब आपसे अलग ही रहना है तो होटल क्या हॉस्टल क्या कहीं भी रह सकती हूँ, ये इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत थी? बेटी मैं तो तुम्हें हमेशा अपने कलेजे में रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी। आज तक आप ही की तो बात मानी है मैंने। मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगा। इतने बड़े घर में सारा दिन आपका इंतजार करती बैठी रहूं, इससे तो जेल की भी जिंदगी अच्छी। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो ऑफिस में हमारे साथ काम शुरू कर दो। हाँ ये ठीक है, लेकिन लेकिन ऑफिस में हमारी बेटी बनकर नहीं, सेक्रेटरी बनकर। क्या मतलब? मैं वहां आपको पिताजी कहकर नहीं पुकार सकती? हाँ बेटी। पिताजी, आंटी अच्छी नहीं इसलिए आप मुझे उनसे दूर रखते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि किसी के सामने मुझे पिताजी न कहो। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? तुमने नहीं बेटी, गुनाह मैंने किया। मैं तुम्हें नहीं अपने आप को सजा दे रहा हूँ, और इंसान ये सुनने के लिए तरसता है कि उसकी संतान उसे पिता कहकर पुकारे। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अपनी ही बेटी से कह रहा हूं कि वो दुनिया के सामने मुझे अपना बाप ना कहे। बोल बेटी, अपने मजबूर बाप की इतनी सी बात नहीं मानेगी? मानूंगी, जरूर मानूंगी। ऑफिस में किसी के सामने मैं आपको पिताजी कहकर नहीं पुकारूंगी, आपके साथ रहने में ही संतोष मिलेगा मुझे। श्यामा बिटिया, अरे कहाँ गई? देख कौन कौन आए हैं। श्यामा बिटिया, ओ श्यामा बिटिया, अरे पापा जी, बापू, आप सब यहाँ? मुन्ने, चाचा जी, चाचा जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या ये देखो ना, क्या है? मामा जी, हमने इसे पहचाना नहीं। आंटी, अरे ये अपना मुन्नू, पूरा नाम है मनमोहन, ये मेरी बुआ है ना, उसके भतीजे का लड़का। अच्छा, अच्छा। इसी का तो कमाल है कि जमालपुर से यहाँ तक बिना टिकट के ले आया है। अंग्रेजी पढ़ा लिखा है ना मेरा बेटा? पढ़े लिखे हो तुम? यस सर, इंटरमीडिएट प्लस सर, बट वेरी सून आई विल डू प्राइवेट ग्रेजुएट सर। लड़का बड़ा होशियार है क्यों जी? आप लोगों को आने से पहले खत लिखना चाहिए था। खत कहाँ से लिखते, डाक खाने ही बंद हो गए। गोपाल बेटे, इतना भयंकर अकाल पड़ गया है अपने कस्बे में कि दाना तो दाना पानी तक नसीब नहीं होता। ये तो तेजपाल जीजाजी ने कहा, अपने श्यामा बिटिया खुशहाल है, वहां चले चलो, सबका पेट पाल देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है मामा जी। राम का नाम लो जजमान, शादी की बात पक्की करके आया हूँ। पूरी 16 बरस की है, 100 में एक है वो लड़की, तो जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। ना महाराज ब्राह्मण, दूध मिलाई। पिताजी, लड़की देखने मैं जाऊंगी, मैं पसंद करूंगी अपनी भाभी को। पिताजी, आज आपने भैया तुम्हारी शादी पक्की हो गई, लड़की 16 साल की है और पूरे 100 में एक है। ये क्या पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी, पहले गागर बिल्ले की शादी कीजिए। हाँ हाँ, शोभा की भी करेंगे और तुम्हारी भी होगी, पहले अपने पिताजी के हाथ तो पीले हो जाने दो। क्या बक रहे हो? कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पिताजी, जो कुछ याद नहीं बक रहा है, क्या ये सच्चा? बेटे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुम्हारे पिताजी की कुंडली में दूसरी शादी का योग है। अगर पिताजी की कुंडली में दूसरी शादी का योग है तो मेरी कुंडली में तेरा खून करने का योग है। लाजी कुत्ते, जल्दी बताइए। पिताजी को बहकाकर किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, इससे पहले कि मैं तेरी बोटी बोटी नोच लूं। नहीं, अपमान, घोर अपमान, एक ब्राह्मण का घोर अपमान। नरक में जाओगे, याद रखना, नरक में। याद रखना, नरक में जाओगे। पंडित जी, पंडित जी, बदतमीज, क्या तू समझता है कि पंडित को भगा देने से मैं अपना इरादा बदल दूंगा? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। पिताजी, आपकी उम्र शादी करने की नहीं, पोती पोतों का मुंह देखने की है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ख्याल छोड़ दीजिए। मैं ये शादी जरूर करूंगा, मुझे अपने सुख दुख का साथी चाहिए, मेरी लाश पर दो बूंद आंसू बहाने वाला चाहिए।
आप इसलिए शादी कर रहे हैं कि आपकी लाश पर कोई आंसू बहाए, आपकी चिता में अपनी जवानी की आहुति देकर जिंदगी भर आपके नाम को कोसती रहे, अपने सीने में चलती हुई तमन्नाओं को आंसुओं से भिगोती रहे। बुढ़ापे में ब्याह करने के लिए अब जवान बेटे पर हाथ उठा रहे। हाथ ही नहीं उठा रहा, जबान खींच लूंगा, घर से निकाल दूंगा इस हरामखोर को। आपके बुढ़ापे की हवस का तमाशा देखने से पहले मैं ही चला जाऊंगा इस घर से। हाँ हाँ निकल जा, चला जा इसी वक्त, मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा। भैया भैया को नहीं, भैया तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठहरो, तुम शोभा को नहीं ले जा सकते। यहाँ किसके पास छोड़ जाऊं इसे, आपके पास, आप जैसे बाप के पास, यह आने वाली सौतेली माँ के पास, मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। ठहरो शोभा, शोभा ठहरो। आप पेपर पढ़ना चाहते हैं? यस, लीजिए पढ़िए। आप परदेसी? आपको कैसे मालूम? अरे भाई साहब, अगर आप शहरी होते तो अपने पंडे का अखबार किसी और को नहीं देते। आपने पढ़ लिया? जी, मैं तो सिर्फ वार्डन का कॉलम देख रहा था, यहाँ कामायन कंपनी का वार्ड निकला हुआ है। आप बेकार? जी। तब तो आप मेरे यार। क्यों, आप भी बेकारी का शिकार हैं? जी हाँ, मेरे पास कार है लेकिन मैं फिर भी बेकार हूँ। मेरे माँ बाप बहुत रईस हैं लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं शादी करना चाहता हूँ और वो ये कहते हैं कि तुम पहले काम करो, पैसा कमाओ और फिर शादी करो। मैंने भी कहा ठीक है, मैं पहले कुआं खोदूंगा, उसमें से पानी निकालूंगा, पीऊंगा और लोगों के लिए प्याव खोलूंगा। कुछ भी हो तुम आदमी बड़े दिलचस्प हो। तो फिर चलो आप जाइए। अभी देख ली बेघरों की लाइन और हम सबसे लास्ट बैठे। भगवान ले, अब थोड़ी देर में हम दोनों सबसे आगे बैठेंगे। लेकिन कैसे? प्यारे भाइयों और बहनों, एक मसल मशहूर है कि एक अनार और 100 बीमार, यही हाल इस ऑफिस का है। एक नौकरी है और हम सब उम्मीदवार हैं। नौकरी किसी को भी मिले मुझे खुशी होगी और इस खुशी में मैं आप सबको एडवांस में मिठाई बांटता हूँ। ये लीजिए चॉकलेट। थैंक यू, वेलकम। खाइए प्लीज। नौकरी किसी को भी, आप सबको मुबारक। बड़े धन्यवाद। धन्यवाद लीजिए मैडम। थैंक यू। बैठो, ये ऑफिस है। अच्छा साहब, अब ये चॉकलेट का कमाल देखना। लेकिन शिवरामी सरासर जुल्म है। आप आइए। चॉकलेट का खट शुरू हो गया। दिस इज टू मच शिवराम। आप आइए आइए ना, क्या बात है। आप जाइए। ये सब क्या हो रहा है? सबको ठंडा चाहिए। अंदर जाओगी या बाहर जाओगी? बाहर क्यों, अंदर जाऊंगी। ये छोटी तो अंदर चली गई। इसका हाजमा जरा मजबूत मालूम होता है।
कोई बात नहीं, अभी पेट पकड़कर वापस आएंगे। क्या काफी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं, अब क्या कहते हो? मेरे को लगता है गोली हजम कर गई है। गोली हजम कर गई। थैंक यू, चॉकलेट खाइए, मुझे नौकरी मिल गई है। तुमने चॉकलेट नहीं खाया, ये किसके लिए रखा? आपके लिए, ये खाइए, पेट साफ हो जाएगा। थैंक यू। नो मेंशन। देख ले भिड़ू, दूसरे का बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता। आई एम सॉरी यार। ठीक है चलो घर चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कहीं तुमने तो चॉकलेट खा लिया। कौन है भैया ये? मेरा दोस्त है शुभा, बहुत बुरी हालत है। भैया नौकरी मिली? नौकरी तो नहीं मिली शुभा, लेकिन अच्छा दोस्त मिल गया। अरे हंस रहे हो भैया? बताता हूँ, आज हम लोग इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में गए, वहाँ पे जो बाकी इंटरव्यू के लिए आए थे ना, उनके साथ इसने ऐसा मजाक किया मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द पड़ गया। क्या किया इसने? क्या किया, वो चॉकलेट होता है ना, उसमें जुलाब की गुलियां मिलाकर सबको खिला दी, और फिर जो सब भागना शुरू हुए और खुद भी गलती से खा ली, तो तुमने देखा कैसे भाग रहा था। क्या नाम बताया? नाम बाप का नाम बलराम और दादा का नाम परसराम। देख लिया, हमने इसका नाम पूछा और इसने पूरे खानदान की कुंडली पढ़ दी। शिवराम ये मेरी बहन शोभा है। नंबर 32 जी। इतना शोर मत मचाओ बाबूजी, यह अपना घर नहीं धर्मशाला है। अरे धर्मशाला है तो क्या अपने मुंह को ताला लगा ले? क्या तुम्हारी इच्छा, मगर मुझे कमरे में ताला लगाने दो। क्यों? ये पूरे 5 दिन हो गए। कमरा जल्दी करो, कमरा खाली करो। अरे वाह वाह, होटल वाला बोलता रहने वाले को कि होटल मत खाली करो, धर्मशाला वाला बोलता है धर्मशाला खाली करो। तो महाशय जी जाकर ताजमहल होटल में ठहरो। ताजमहल में क्यों, हम कोई भी महल में जाकर ठहरे, लेकिन ये अधर्मशाला में नहीं ठहरे। देखिए महाशय जी। राजेश इसको मस्का मारने की जरूरत नहीं, मैं कल सुबह आता हूँ, तुम दोनों तैयार रहना, मेरे घर में ठहरो, मेरा बाप है दादा है दोनों बुड्ढों को समझा देंगे। ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल सुबह जरूर खाली कर देना, समझे? सुनो सुनो सुनो, ये जाने की खुशी में। नमस्ते। अच्छा मारे का जुल्ला। हमारा घर है, बड़ा मैं मेरे बाप को बुला के लाता हूँ। बाप कौन हो जी तुम लोग? दांत क्या दिखा रहे हो? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम लोग? अरे वाह तुम बड़े बेरुपिया हो, मेरे घर में आके मुझे बेरुपिया कहते हो? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम लोग? मजाक छोड़ो यार। यार मैं तुम्हारा यार लगता हूँ? ये उम्र मेरी मजाक करने की? क्या तुम अपने बाप को भी यार करके पुकारते हो? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बाप बाप ये मेरा दोस्त राजेश है, इसे किराए पे एक दुकान नहीं मकान चाहिए। माफ कीजिए मैंने आपको शिवराम समझा, शिवराम बिल्कुल आप जैसा लगता है। मेरे बेटे मेरे जैसा नहीं लगेगा तो क्या गधे के बच्चे के जैसा लगेगा? जी आप जैसा। पिताजी क्या आप मुझे मकान किराए पे दे सकते हैं? ये तो जरा मुश्किल बात है जी, मकान का मामला मुझे मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा, ठहरिएगा बुला के लाता हूँ। आज तक मेरी आंखों ने ऐसा धोखा कभी नहीं खाया, जरा भी फर्क नहीं तुम। अब क्या हुआ? बेटा बाप और उसका बाप। शक्ल में एक लेकिन अक्ल में अलग अलग। राजेश यह है मेरे दादा परशुराम जी और मैं शिवराम जी, पिताजी का पोता और दादाजी का पिता। चुप बेवकूफ, दादाजी का पिता नहीं बल्कि दादाजी का पोता। माफ कीजिएगा दादाजी, सुबह नाश्ते में मैंने केला खाया था
इसलिए जबान फिसल गई। वैसे ये मेरा दोस्त राजेश है। नमस्ते दादाजी। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, तो तुम्हें मकान चाहिए जी। तो फिर बिजली के खंभे की तरह खड़े क्या हो? बर, 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 हुँ, हुँ, हुँ। ये कन्या कौन? इसका कन्या दान हुआ है कि नहीं? दादाजी कन्या का नाम शोभा है, मेरे दोस्त की बहन है, अब तक शादी नहीं हुई, कुंवारी है। यही तो बीमारी है बेटा बलराम। जी पिताजी। इन लोगों को हमारे घर के नियम बता दो। देखिए जी, आप लोगों को महीना 20 रुपया किराया देना पड़ेगा। जी मंजूर है। और देखिए, इस घर के अंदर नौकर चाकर कुछ भी नहीं रहेगा, आपको खुद काम करना, अपना हर काम अपने हाथ करना होगा। जी ये तो बहुत अच्छा है। इस घर में धूम्रपान करने की आज्ञा नहीं है। जी और सुनिए जी, ये जो महिला लोग लिपस्टिक लाली पाउडर सब लगाती हैं ना, वो भी नहीं चलेगा। जा क्या? इस घर में ब्याह से पहले प्रेम पत्र लिखना या आंख में चोली खेलना या प्रेम करना मना है। दादाजी प्रेम करना चालू कब होगा? बदतमीज टी नाना बदू अलखंजीर बलराम। जी जी पिताजी। आगे मखो। देखिए जी, मेरे पिताजी रोजाना 60 बाल्टी पानी अपने हाथों से निकालते हैं, आपको भी निकालना होगा। तू बोल दे, ऐसे खींचूंगा। जी मैं ऐसे खींचा करूंगा। शाबाश, तुम राजपूत मालूम होते हो। मेरे पिताजी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। जी आपके पिताजी? पिताजी, पिताजी। Yes, speaking. Oh, thank you. I'll send my man. Thank you. Man, हाँ सर, पर चले जाओ, माल की डिलीवरी ले लो। अच्छा, yes. गोपाल दास एंड कंपनी है? यस सर। यस बार मां। दीदी क्या? एक्सक्यूज मी, हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। प्लीज चढ़ो। गरम पटाखड़ों से देख प्यारे, दुल्हन एक है और दुल्हा दो, मेरी जरूरत से ज्यादा तेरी जरूरत है, इसलिए मैं तो इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा। देख शिवराम, शायद ये नौकरी तेरी तकदीर में हो, अपना तो मुकद्दर बनता ही नहीं। वही बनाने का चक्कर चला रहा हूँ यार, तू समझता नहीं, मेरे को दोनों बुड्ढों की कसम है, मैं नहीं। शिवराम कौन है? जाना पड़ेगा तुझे। शिवराम नहीं है। अरे जाना, बस क्या करता रहा मैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं बैठ सकता हूँ? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम शिवराम है? हाँ, बाप का नाम बलराम, दादा का नाम परशुराम खाणेकर। मैंने आपका नाम पूछा है। हाँ, मेरा नाम शिवराम है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं? नहीं, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ और इंग्लिश लिख सकता हूँ। जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता और हिंदी लिख नहीं सकता। यानी आप इंग्लिश में बोल नहीं सकते और हिंदी में लिख नहीं सकते? जी जी, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम है गोकली बाई पुनमचंद पीतंबर हाई स्कूल। तो फिर आप नौकरी भी किसी ऐसे ही ऑफिस में तलाश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे जो आदमी आ रहा है उसको सब लैंग्वेज आती है, मैम साहब उसे नौकरी जरूर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। I'm sorry, my English is garbled. Hello, क्या मिले? काम हो गया? हाँ हो गया। मेरे को नौकरी नहीं मिली। कैसा पागल आदमी है? पागल क्या? अब तेरी बारी है। देख, दोनों चीज की ट्राई करना। दोनों कौन सी? नौकरी भी
और छोकरी भी। हे प्रभु, हेल्प माय फ्रेंड। आप और यहाँ? जी हाँ, मैं बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। शोभा कैसी है? जी, वो ठीक है, मेरे साथ ही। आपके साथ? क्या मतलब? बात यह है रानी जी, ऐसी किसी बात पर मेरे और पिताजी के विचार नहीं मिले, लिहाजा हमें घर छोड़ना पड़ा। इसीलिए नौकरी की तलाश में मैं यहाँ आया। आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। All right. Send him here, I'll do it. Bye-bye. Good morning, sir. Good morning. Yes? My application. I'm sorry, young man. अभी मेरे एक दोस्त का टेलीफोन आया था, उनकी सिफारिश पर मैंने ये जॉब किसी और को दे दी। I'm really sorry. मिल गई ना नौकरी? जी नहीं, मेरे पहुंचने से पहले किसी और की सिफारिश पड़ी। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सर, आपके यहाँ नौकरी सिफारिश पे मिलती है या लियाकत पर? आपने राजेश की एप्लीकेशन देखी? हाँ देखी, मैं अपने एक दोस्त को वादा कर चुका हूँ। और मैं भी अपनी एक सहेली को वादा कर चुकी हूँ, और राजेश उसका भाई है। वो साहब जो अभी आए थे उन्हें अंदर भेज दो। मिस्टर राजेश, यू आर अपॉइंटेड। दिल लगा कर काम करना। थैंक यू सर। थैंक हर। थैंक यू। ओह थैंक यू डैडी। सॉरी सर, योर टाइम। थैंक यू। शोभा देवी, मुझे मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नहीं, आपके भाई को नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? जी हाँ, और मैंने दिलाई। तुम कितने अच्छे हो, मकान दिलाया, नौकरी दिलाई। लेकिन आपके उस बुद्धू भाई ने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। मैं कह देती हूँ, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ मुंह से थैंक यू, मेरा मतलब हाथ से नहीं। थैंक यू। थैंक यू। ये तो नौकरी का थैंक यू था, ये जो मकान दिलाया था उसका थैंक यू। थैंक यू। आपने जो मुझे दो बार थैंक यू कहा है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। अच्छा, तो ये पोस्ट कार्ड पहले ही यहाँ पहुंचा? पोस्ट कार्ड नहीं, टेलीग्राम। भैया, इन्होंने तुम्हें नौकरी दिलाई और तुमने धन्यवाद भी नहीं कहा। क्यों? ये गबरू जवान तो मैदान छोड़कर भाग आया था। मेरे लिए नौकरी तो तुम्हारी सहेली रानी ने दिलवाई थी। रानी? रानी? अरे कहाँ है वो? वो ऑफिस है ना, वहाँ के बॉस की सेक्रेटरी है, उसने तुम्हें चाय भी बुलाया। ए भाई, जरा संभाल कर यार, ये तो पेट में दर्द होगा। बेफिक्र रहिए, मैं जुलाब ले लूंगा। ये उस दिन मुर्ख क्यों बना जानती है? मुझे नौकरी दिलाने के लिए। ओह वेरी गुड, दोस्त हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रानी जी, ये तो आपने जनरल बात कह दी। बात दरअसल ये है कि आजकल छोकरी मिलना आसान, मेरा मतलब है नौकरी मिलना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, मैंने खाना खाया, मैं पांव धोकर आता हूँ। बड़ा दिलचस्प है आपका दोस्त। दिल का बड़ा शानदार आदमी है, बादशाह है बादशाह। मैं भी जरा हाथ धोकर आया। हेलो मिस रानी, हाउ आर यू दिस इवनिंग? यहाँ कोई और साहब बैठे हैं। कौन है? कोई दोस्त है क्या? जी हाँ। हम कोई दुश्मन नहीं, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। शट अप, उठाइए। और अगर न उठा तो? प्लीज, हम यहाँ बैठे हुए हैं। गो एंड सिट समवेयर एल्स, कहीं और जाकर बैठ जाओ। हम यहीं बैठेंगे। क्यों मिस्टर, ये सीट आपकी रिजर्व है क्या? यार झगड़ा क्यों करते हो? अरे पानू खा दे। माफ करना, आपका नाम क्या?
यार झगड़ा क्यों करते हो? मैं बैठ जाता हूँ। ए, क्या करता है? हाँ, चमक तो ऐसे रहो जैसे भोपाल के हो। कुर्सी पे तुम्हारे बाप का छापा लगा हुआ था क्या? क्या बदतमीज आदमी। चल शुरू हो जा। चल शुरू हो जा। 1 2 1 2 चल शुरू हो जा। चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर। 1 2 चल जरा फिर से गिरा नीचे पसा टंगड़ी लगा लंगड़ी। गम न कर पार्टनर, ओ गम न कर पार्टनर, प्यार में जंग में सब कुछ चलता है। अदे ले अदे ले, चल शुरू हो जा। चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर। 1 2 चल जरा फिर से गिरा नीचे पसा टंगड़ी लगा लंगड़ी। फिर से मजा आया नहीं रे, मजा आया नहीं, ओ जरा फिर से मजा आया नहीं, कोई करतब दिखलाया नहीं, दिखलाया नहीं, पड़ी हल्की आए करारी नहीं, पड़ी पड़ी हल्की करारी नहीं, पड़ी पड़ी तुम्हारी तुम्हारी रे हमारी नहीं पड़ी। जरा फिर से मजो आयो नहीं रे, मजो आयो नहीं रे, मजो रे मजो रे मजो। जिधर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो फिर 1 2 चल शुरू हो जा। चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर। 1 2 चल जरा फिर से गिरा नीचे फसा टंगड़ी लगा लंगड़ी। कितना बुराई ना करो, बुराई ना करो, सुला कर लो, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, जो मान जाते तो मार खाते नहीं, जो ठीक चलते तो लंगड़ाते नहीं। कहाँ कितना बुराई ना करो, लड़ाई ना करो, ना करो ना करो ना करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर 1 2 चल शुरू हो जा। चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर। 1 2 चल जरा फिर से गिरा नीचे फसा टंगड़ी लगा लंगड़ी। गम न कर पार्टनर, प्यार में जंग में सब कुछ चलता है। Thank you.
अब ये जरूर जाकर बॉस को शिकायत करेगा। करने दो, ऑफिस टाइम में हम बॉस के नौकर हैं, बाहर नहीं। लेकिन ये सिर्फ मालिक का रिश्तेदार ही नहीं, मालकिन का रिश्तेदार भी है। करेला और नीम चढ़ा। खूब उबालने से करेले का कड़वापन चला जाता है और तलने से तो। बॉस आप दोनों को बुला रहे हैं। मर गए, क्या कहा था? घबराते क्यों हो? हमने कोई चोरी थोड़ी की है। कौन घबराता है? आपने हमें बुलाया? मिस रानी, कल तुम स्विमिंग पूल पर गई थी? जी हाँ। क्यों गई थी? सर, ऑफिस के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। इस हम का मतलब समझे कल? दोनों के लिए कह रही है। देखो मिस्टर। शट अप। यू शट अप। हर महीने की पहली तारीख को हमारे सामने हाथ फैलाने वाले का यह बीमार। आप कोई भीख नहीं देते, पूरा महीना हम आपके ऑफिस में पसीना बहाते हैं, तब पहली तारीख को अपने हक का पैसा मांगते हैं। और वो हक मैं छीन सकता हूँ? देखा अंकल किस तरह मुंह खोल रही है। अगर आप अपनी रिश्तेदारी के बल पर मुंह खोल सकते हैं तो हम अपनी मेहनत और वफादारी के बल पर क्यों नहीं बोल सकते? मिस रानी, चुप रहो। क्या मेरे अपने पिताजी मुझे इस तरह चुप रहने के लिए कहते? समझो हम भी तुम्हारे बाप हैं और तुम हमारी बेटी हो। बेटी की इज्जत बाप की इज्जत होती है, समझी मिस रानी? और मिस्टर राजेश, किसी आम जगह पर दंगा फसाद करना और ऑफिस की लड़की के साथ घूमना शराफत नहीं, इसमें ऑफिस की बदनामी होती है। मैं माफी मांगता हूँ सर, आइंदा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ऑफिस की बदनामी होती हो। तुम लोग जा सकते हो। अंकल, अगर आप इसी तरह ढील देते रहे तो ये ऑफिस एक दिन प्यार का अड्डा बन जाएगा। Why don't you go and do your work? शुभा देवी। जी हाँ। राजेश नहीं आए? बस आते ही होंगे। मेरा नमस्ते कीजिएगा उनसे। क्यों, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? जी हाँ। कब लौटेंगे? पता नहीं, विश्व के मनाने वाले तेरे संसार से मेरा हृदय भर गया। जी, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, मैंने आपको समझाया नहीं, मैं आत्महत्या करने जा रहा। सुनो, देखो तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस जगत में मेरा जीना बेकार है। इस जगत में कोई ऐसा नहीं जो मुझे प्यार करे। मैंने प्यार से हाथ बढ़ाया तो लोगों ने मुझे ठेंगा दिखाया। शोभा देवी, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। सुनो शिवराम, सुनो। क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जरा कम सुनता हूँ, जरा एक बार फिर से बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर ये डिस्टेंस क्यों है? मेरी शोभी, तुमने आज तक मुझसे क्यों नहीं कहा? क्यों चुप रही है? कौन देखेगा? दोनों बूढ़े उल्टे लटके हुए हैं, दोनों मेरी लाइफ का लोबान जलाना चाहते हैं, दोनों विलन हैं। हम शासन कर चुके कर चुके आज बड़ी जल्दी कर दी। जल्दी तो तूने किए बेटा, इतनी जल्दी उस महिला का हाथ क्यों पकड़ लिया? बोल। पिताजी, मैंने उसका हाथ कहां पकड़ा था? मैं तो उसकी लाइन, मेरा मतलब रेखा देख रहा था। अब हम तुम्हारे माथे की रेखा देखेंगे। बदतमीज, तुमने घर के नियम को तोड़ा और शादी से पहले प्रेम से नाता जोड़ा। क्या बात है दादाजी? राजेश, इससे पहले कि हम बलराम से ये कहें कि तुम्हें धक्के मार के निकाल दो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसकी वजह दादाजी? वजह हम नहीं बताएंगे, हम कारण बताएंगे और वजह हमारा बेटा बलराम बताएगा। बता देंगे। देखिए जी, आपकी जो बहन है ना, उसने मेरे बेटे के साथ लाइन नहीं प्यार करना शुरू कर दिया है। हमने तो मकान देने से पहले ही आपको कायदे कानून बता दिए थे जी। वाह, शोभा मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं शोभा से लव करता हूँ। लेकिन पिताजी, मैंने ये फैसला कर लिया है कि शोभा की शादी मैं शिवराम के साथ कर दूंगा। लेकिन भैया, अच्छे अच्छे लड़के लोग जो है ना, शादी के लिए, मकान के लिए कैसी कैसी लड़कियों से शादी करते हैं। अपनी बहना की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? मेरा बेटा, मेरा जो बेटा है ना,
लेकिन पिताजी मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि शोभा की शादी होते ही ये मैं मकान छोड़ दूंगा। किंतु ये तुम्हें हमसे पहले पूछना चाहिए था। हम ये नहीं चाहते कि जो लड़का काम ना करे वो शादी करे, उसे मर जाना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। तो फिर आप बाप दादा मिलकर मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? लेकिन पिताजी अब शिवराम बेकार नहीं, उसे नौकरी मिल गई है। कहाँ यार? हमारे ऑफिस में, वो टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी थी ना, वो जगह खाली हो गई है और रानी ने वो जगह तुम्हें दिलवा दी। मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, अब तो फोन आएंगे, मैं यहाँ की लाइन वहां लगाऊंगा। इधर इधर उधर की इधर उधर की इधर। रिंग रिंग। हेलो, यस बलराम तुकाराम स्पीकिंग। यस यस, हाँ जी हाँ, मेरे पिताजी मेरे बाजू में खड़े हैं, बहुत खुश है मुझे नौकरी मिल गई ना। ये दादाजी भी उनके सामने बाजू में खड़े हैं। जी हाँ, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी की बहन से शादी कर रहा हूँ। आप मुझे कल फोन करिए। दादाजी अब हम दोनों शादी कर सकते हैं? अवश्य अवश्य। लेकिन बेटा शादी से पहले तुझे एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी, एक शर्त। जी अब कौन सी शर्त है बाप? देख, तेरे दादाजी की दो औलाद है, एक मैं एक तेरी बुआ। मेरी भी दो औलाद है, एक तू एक तेरी बहना। मैं चाहता हूँ तेरी भी सिर्फ दो ही औलाद हो। बाप, देश की हालत देखकर दो औलाद तो क्या, मैं एक भी पैदा नहीं करूंगा। धन्य हो, धन्य हो बेटा, धन्य। बिहेव योरसेल्फ। आंटी जी, आपने एक दिन कहा था ना कि अगर आपकी कोई बेटी होती तो आप उसकी शादी मेरे से करवा देती? कहा था, लेकिन भगवान ने मुझे वो खुशी का मौका ही नहीं दिया। मेरी बेटी को दुनिया के सब सुख मिले लेकिन औलाद का सुख नहीं मिला। अगर भगवान मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे पहला सवाल ये पूछूं कि मेरी भांजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हाँ, और मैं आंटी से पूछना चाहता हूँ, मैंने अंकल का क्या बिगाड़ा है? कई बार अंकल से कहा राजेश को ऑफिस से निकाल दीजिए, उसने ऑफिस को प्यार का अड्डा बना के रखा है, लेकिन मालूम नहीं अंकल उससे इतना डरते क्यों हैं? तू उसकी फिक्र न कर, आज ही मैं उसकी ऑफिस से छुट्टी करवा दूंगी। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू मेरी प्यारी आंटी, तभी तो मेरी शादी रानी बाला से हो सकती है। रानी बाला? अरे क्या तू उस सेक्रेटरी से शादी करेगा? हाँ आंटी, अगर तुम मेरी शादी उस रानी बाला से करवा दो ना तो मैं समझूंगा कि मेरी आंटी ने अपना वादा पूरा कर दिया। अबे मुन्ने पागल हो गया क्या? अरे जिसने अपनी बेटी की शादी की बातचीत तेरे साथ की थी, क्या वो अपने आपस में काम करने वाली गैर की बेटी से इनकार कर देगी? ठीक है, अगर लड़की का बाप ना माना। हाँ, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, वो सारा पता मैंने चला लिया। कैसे कैसे? लड़की का ना बाप है ना माँ है। अकेली? बिल्कुल अकेली। लेकिन आंटी, अंकल उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उसके इशारों पे नाचते हैं। ए मिस्टर, ये लाइब्रेरी नहीं पार्क है, घूमने की जगह है, घूमने का समय है। रानी भूल गई कल बॉस ने क्या कहा था? इन छोटी छोटी बातों को कौन याद रखता है, और फिर जरूरत ही क्या है? जरूरत है, जिन मुसाफिरों के रास्ते अलग अलग हों वो हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। हम दोनों का रास्ता एक ही। जी नहीं, और आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। नहीं जाती। ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शौक। देखो जी, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? क्यों जी, आप मेरे आगे आगे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप जाइए। क्यों जाऊँ? मैं भी यहीं बैठूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। मैंने तो सुना है डांट फटकार सुन करके हैवान भी समझ जाता है, बात मानने लगता है। इंसान ज्यादा समझदार होता है, इसलिए वो हैवान की बात कभी नहीं मानता। राजेश, तुम अपनी औकात भूल करके बात कर रहे हो, जानते हो तुम्हारी हैसियत एक मजदूर से भी कम है। शायद तुम ये नहीं जानते कि मजदूर में कितनी ताकत होती है।
और रिश्तेदारों के टुकड़ों पर पलने वालों ने कितना खोखला पकड़ा। बिल्कुल मिस्टर मनमोहन, आपकी अकल जरा मोटी मालूम होती है। करेक्ट, शट अप। मेरी मोटी अकल में कितनी ताकत है वो कल तुम्हें पता चलेगा। ओहो, आपने मुझे याद किया सर। हमारे कहने के बावजूद फिर तुमने गलती की, फिर तुम रानी से मिले। इस ऑफिस में काम करने से पहले से मैं उसे जानता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं। गलती है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा जानते हो? जवाब दो। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ साहब? जवाब दे नहीं सकते तो सुन लो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। खड़े क्या हो? मैंने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की, बड़ी लगन और ईमानदारी से अपने फर्ज को अंजाम देता रहा। अगर आप मुझे इस तरह हटाएंगे तो मेरी वफादारी और ईमानदारी पर बदनामी का धब्बा लगेगा। इससे तो यही अच्छा है कि मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। ठीक है, हमें तुमसे हमदर्दी है, जाओ इस्तीफा दे दो। क्या हुआ? हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। सर मुझे भी आपकी नौकरी की जरूरत नहीं। रानी, आप राजेश को कसूरवार समझते हैं तो मैं भी कसूरवार। हम जानते हैं, एक को सजा और दूसरे पर रहम, ये कहाँ का इंसाफ है आपका? रानी तुम हमारी बेटी हो। जी नहीं, यहाँ मैं आपकी नौकर हूँ। तो क्या मुसीबत है, एक तरफ तुम एक तरफ खाई, समझ में नहीं आता क्या करूं। ये लीजिए सर, ये मेरा इस्तीफा था। जानता हूँ ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है, जाओ काम करो। आगे सुनो। क्या है? मैंने सुना है तुम अपनी सेक्रेटरी रानी बाला पे बड़े मेहरबान हो, और ये भी सुना है वो लड़की राजेश की तरफदारी करती है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो छोकरे को डिसमिस करने के बाद फिर क्यों रखा गया? इसलिए कि राजेश एक मेहनती लड़का है और उसकी ऑफिस को सख्त जरूरत है। मैं समझती हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो मनमोहन की नहीं है, इसलिए कि वो श्यामा का रिश्तेदार है और आपके घर को अपने घर की तरह देखता है। मामा जी आप चुप रहिए। इसलिए कि मैं श्यामा का मामा हूँ? जी हाँ, इसलिए। तुमने उस सकती के लिए मेरे मामा का अपमान किया। गोपाल बेटे, तुम हमें अपने से बड़े ही कम समझो, लेकिन अपनी उस सेक्रेटरी से कम मत समझो। आखिर हम भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। बापू, ये तुम्हें अपना रिश्तेदार नहीं, मेरे रिश्तेदार समझते हैं। अरे तो बेटे, तू किस बलबूते पे कह रही थी कि मनमोहन की शादी रानी बाला के साथ कराऊंगी? क्या, रानी की शादी मनमोहन से? अरे वाह, तुम तो ऐसे चौंक पड़े जैसे वो तुम्हारी बेटी है। हाँ हाँ, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे बेटी की तरह पाला है। तो फिर मैं भी अपनी मानी हुई बेटी की शादी मनमोहन से करूंगी। तुम कौन होती हो उसकी शादी करने वाली? अगर वो तुम्हारी बेटी है तो मैं भी उसकी माँ हूँ, अगर वो तुम्हारी सकती है तो मैं भी उसकी मालकिन हूँ। अरे बेटी, ना तो उसकी माँ है ना मालकिन। माना जी, आप पर की न छिड़की, चले जाइए यहाँ से। सुन लिया बेटी? अरे चले जाएंगे, चले जाएंगे। घर पर आइए, आपने अपना घर छोड़ कर क्या? मामा जी, ये आपका घर है, आप यही रहेंगे। देखो श्यामा, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, ना तो रानी ऑफिस से जाएगी और ना उसकी शादी होगी मनमोहन के साथ। क्या हुआ, क्या बात है आंटी? कुछ नहीं, मुझसे कुछ। गोपाल तुझे घर से निकालना चाहता है। मुझे घर से निकालना चाहता है? क्यों? अरे उसकी क्या मजाल, जो तुझे घर से निकाल दे। उसकी चिट्ठी को अभी तक संभाल के रखा है अपनी मुट्ठी में। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? अरे इस पाजी ने अपनी पहली बीवी को नदी में डुबा कर श्यामा से शादी की। कोई सबूत है तुम्हारे पास? उसके हाथों की लिखी चिट्ठी है मेरे पास। अरे वाह मामा, अब कोई नहीं निकाल सकता हमें यहाँ से। यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस। Come on, I'll give you a look. Thank you. Excuse me.
Excuse me. Oh, I'm sorry. Lily, मेरी बस आ गई. मैं जाती हूँ. टाटा, टाटा. Hey, Mister. क्या? मदद करो ना. अच्छा? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान. Please sir, एक लात मार दो ना. किसको लात मारने का? हमको नहीं. मोड़ बाइक को. इसको हम मारेंगे. अरे क्या पकड़ दी तुम्हारे लात में. Congratulations, thank you, तुम तो दारा सिंह का बाप है. चलो मैं तुमको ले. अरे चलो ना. चलो ना. चलो. चलो. मुझे क्या मालूम. तो फिर टाटा टाटा क्यों कर रहे थे? मैंने तो कहा था कि चाटा नहीं काटा. वो देखो पतंग काटा. पतंग पतंग. मुझे बहकाओ मत. क्या नाम था उसका? लिली. रास्ते में मिली. मैंने मदद दी ली. कैसी मदद? मोहब्बत की मदद? हे राम. लुक शुभा, मेरे दादाजी की एक अर्धांगनी, मेरे पिताजी की वन वाइफ, और मैं दो पत्नी व्रत. डार्लिंग, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की. सिर्फ एक ही लात मारी. लात मारी? मैं तो और क्या मारता. उसकी स्कूटर बंद हो गई. एक लात मारी, स्कूटर चालू हो गई. और तुम उसके पीछे चल दिए. उसके पीछे बैठ गए. पीछे ने तो क्या, सामने बैठता. फिर से बाप दादा गांव चले गए. भाई भी मेरा घर छोड़ के चले गया. इसीलिए जो दिल में आता है वही करते हो. जाओ उसी के पास जाओ. चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो. शोभा 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 डार्लिंग, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, मेरा उसे कोई वास्ता नहीं. दरवाजा खोलो. मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी. उसी के पास जाओ. जन्म की खाती में जाओ. शोभा शोभा. अरे लिल्ली, तू मेरे को क्यों मिली? राजेश, क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि अगर भगवान औरत को हुस्न और मर्द को आंखें न देता तो ये इश्क और हुस्न का झमेला ही ना होता. क्यों? औरत का कुछ नहीं बिगड़ता हजरत, लेकिन मर्द आंखें होते हुए भी इश्क में मर्द को कुछ नहीं दिखाई देता मैडम. तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने औरत को बनाकर गलती की? वो सब कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भगवान ने तुम्हें बनाकर गलती जरूर की है. क्यों? क्योंकि मुझे आज तक किसी लड़की ने इतना परेशान नहीं किया. मैंने क्या परेशान किया? मुझे तुम्हारे लिए वो दो काम करने पड़ते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद है. कौन से दो काम? एक तो लड़ाई करना, दूसरा प्यार करना. और मुझे भी तुम्हारे लिए वो तीन काम करने पड़ते हैं जो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं. कौन से हैं वो तीन काम? प्यार करना, सोचना और रोना. अच्छा, मुझसे प्यार करने में तुम्हें सोचना पड़ता है, रोना आता है? रानी, क्या तुम्हें सचमुच रोना आता है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं मेरे पास. डरती हूँ कोई उसे मुझसे छीन न ले. मेरे प्यार को मुझसे छीनने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ. चलो. राजेश, रात बहुत हो गई, अब मुझे जाने दो. अभी अभी तो आई हो और अभी अभी जाना है. चलो खेलेंगे. Thank you.
अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। जल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। मेरे दिल पे जो ढाए कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो मुझे ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो। न जाना कोई तराना कोई फसाना, अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। माना जी माना, तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा से आना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। हमारे साथ भी खेलो। नहीं, मैं अब नहीं खेलूंगा। अब ये लड़कियों के साथ खेलने वाला मर्दों के साथ क्या खेलेगा? मुझ संभाल कर बात करो। मुझ संभाल के ये ले। Hey!
रानी, बेटी रानी, मुंह हाथ धो रही सब, अभी अभी बाहर से आई। अभी अभी बाहर से आई? जी हाँ। लेकिन डैडी, बेटी, मालूम हुआ तुम अभी अभी बाहर से वापस आई, कहाँ गई थी इतनी देर तक? अपने एक दोस्त के साथ बाहर गई थी डैडी। हाय राम, दोस्त के साथ? लड़की तो सहेली के साथ जाया करती। हाँ हाँ, सहेलियों के साथ। तुम अंदर जाओ, बीच में बट फिर कर दो। दवाई जेब में। बेटी जी। डैडी, तू नहीं जानती तेरी माँ के मरने के बाद तेरी परवरिश करना कितना मुश्किल का काम था। भगवान की दया से अब तो सियानी हो गई है, तेरा भविष्य बहुत बहुत सुंदर हो, तू सुखी हो। ये देखने के लिए मैं तरह तरह की परेशानियों और उलझनों के बावजूद अब तक जिंदा हूँ। दादी। हाँ बेटा, तू समझदार है, तेरा हर कदम सोच समझ के साथ उठना चाहिए। तू दोस्तों के साथ घूमने जा, जरूर जा, मगर एक बात का हमेशा ख्याल रखना, वो भले आदमी हो। जी दादी। जीती रहो। क्यों जी, रानी बारा तुम्हारी बेटी है, याद तक तुमने मुझसे क्यों छिपा? इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए उसकी माँ के खून से अपने हाथ रंगे, और अब कहीं तुम अपने लिए उसके खून से अपने हाथ में रंग लो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी नहीं मान सकती, तुम्हारे खून को अपना खून नहीं समझ सकते? सौतेली बेटी भी तो बेटी होती है। श्यामा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी बेटी समझो, अपनी बेटी समझकर उसे अपने सीने से लगा लो। मैं जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता मुझे अपने पाप याद आ जाते, उसकी माँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। अगर तुमने माँ के प्यार की भूखी रानी को माँ का प्यार दे दिया तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। सौतेली माँ भी माँ होती है, मैं रानी बाला की माँ हूँ और वो मेरी बेटी। वेल सेड आंटी, वेल सेड। क्या ऊंचे ख्याल पाए आंटी तुमने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं अंकल, मैंने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन आंटी, तुम अपना वादा मत भूल जाना। हाँ हाँ, मुझे याद है, शायद भगवान ने तेरे लिए ही मुझे माँ कहलाने का मौका दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से ही करूंगी। क्या, ये कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो गलती से भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जो लड़की अपनी माँ का कहना न माने उसका तो गला घोंट देना चाहिए आंटी। तो चुप रह मोहन, बोलो जी, रानी की राय बाद में, पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। अंकल, सब कुछ हो सकता है, शादी भी हो सकती है और धोखा भी दिया जा सकता है। मैं तो ये चाहता हूँ आपकी इज्जत यूं ही बनी रहे, और आप अगर चाहेंगे तो रानी बाला इनकार नहीं कर सकती। लेकिन रानी से? लेकिन क्या? पहले मुझे रानी से पूछना होगा। पूछना ही नहीं अंकल, उसे मजबूर करना होगा। मनमोहन के साथ? हाँ, तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। क्या आप बताएंगे क्यों करनी पड़ेगी? इसलिए कि तुम शादी के लायक हो गई हो। डैडी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना बुरा भला समझने की बुद्धि है मुझ में, मैं जो ठीक समझूंगी वही करूंगी। हेलो शोरूम। मिस, हमारा नाम शोरूम नहीं है, हमारा नाम शिवराम है। यू बिल्ली? मेरा नाम बिल्ली नहीं,
लिली है लिली। हमको मालूम है तुम्हारा नाम लिली है। Come on, I'll give you a lift. अरे तुम हमको क्या लेते? मेरा औरत मेरे को लिफ्ट ऑफ कर देगा। मैं उधर ही रहती हूँ ना। उधर जाता है? हाँ। तो हम इधर जाते हैं। मेरा घर उधर है, तुम्हारा भी घर है। सुनो लिली, 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 सुनो लिली, लिली। अरे तुम तो घबराता क्यों है? कहीं वो घर से बिल्ली ना आ जाए। मिस्टर शिवराज तुम अपना बिल्ली हमको दे दो, हमारे घर में बहुत चूहा लोग हैं। ये बिल्ली चूहा नहीं खाता, हमको खाता है। मेरी कपड़ी गंदी कर दिए। क्यों ही ये गाड़ी आ रहा है? मिस्टर शिवराम आपके घर में बाथरूम है? अब बाथरूम संडास, संडास तो सबके घर में होता है। मत छीन जो बाथरूम। अरे सुनो, अरे सुनो, बाथरूम, बाथरूम नहीं है। ले ले एक बाथरूम, एक बाथरूम। ये बैग पकड़। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ माँ, मेरे घर के अंदर मत घुस, नहीं तो मैं हमेशा के लिए घर से बाहर चला जाऊंगा। देख हमारे घर में उधर कोई बाथरूम वाथरूम नहीं है, हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, नहाते तक नहीं है। अरे नल भी तो है। नल का है, सिर्फ पानी है, पानी नहीं सिर्फ नल, नल नल जो ठीक है। अरे सुन लली, अरे लली, इसके बाप का घर है, इसके बाप का राज है, ये क्या छोकरी, छोकरी है, मुसीबत। भगवान क्या होगा? शोभा, 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 शोभा नहीं है, शोभा घर में नहीं है, बच गए, शोभा घर में नहीं। दरवाजा भी खुला रखी गई है। अब लिली तो क्या, बिल्ली भी इस घर में घुस सकती है। लिली बाहर निकलो जल्दी। और लिली कम आउट। अरे टावल खूंटे पर नहीं, खूंटा टावल, मेरे को क्या मालूम है तुम्हारे बाप का, ना करूं क्या? जल्दी बाहर निकल। देख मेरी औरत को तू बिल्कुल नहीं जानती है, वो मेरा सत्यानाश कर देगी और तेरी भी बोटी बोटी कर देगी। लिली बाहर निकल, मेरी औरत ने जब से तुझे देखा है वो बिल्कुल चुड़ैल बन गई है, बहन बन गई है, भुतनी बन गई है, कमीनी बन गई। कुछ अरे डोंट वरी मैन, डोंट वरी अबाउट योर वाइफ। ओ लिली Thank you very much, शोभा डार्लिंग, मेरी दोस्त में हो, मिस बिल्ली, बिल्ली नहीं लिली, लिली, ये मेरी वाइफ शोभा, मैं सब उल्टा बोल रहा हूँ, मर जाऊंगा। ओ, ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? शोभा बहन, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा शिवराम, हम जाते हैं। टाटा, टाटा शोभा। टाटा, 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 टाटा। क्या बीवी है, आज तो होती भी वाइफ हो तो ऐसी। शोभा, 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 मत फेंको ना तेरे को। जानती हो तुम इस वक्त कैसी दिख रही हो? कैसी? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कल खूबसूरत नहीं लग रही थी? आज से कम। और कल को? आज से ज्यादा, परसों उससे भी ज्यादा, तरसों उससे भी ज्यादा, नरसों बहुत ज्यादा। दिल से कह रहे हो? सुन लो। अरे ये तो सिर्फ धक धक कर रहा है। दिल की भाषा तो सिर्फ दिल ही समझता है, ये धक धक नहीं, रानी रानी कह रहा है। मेरा दिल भी तुम्हारा ही नाम रखता रहता है। सुनो, धत तेरे की, ये तो किसी और का नाम ले रहा है। नाम तो तुम्हारा ही ले रहा है राजेश, लेकिन बेचारे को मजबूर किया जा रहा है। रानी तुम्हें किस लिए मजबूर किया जा रहा है? मनमोहन से शादी करने के लिए। तो कर लो, मनमोहन बड़ा आदमी है, पैसे वाला है। कितना झूठा होता है मर्दों का दिल। अभी अभी कह रहे थे कि मेरा दिल रानी रानी कर रहा है, और अब कह रहे हो कि किसी और से शादी कर लो। मैं अपने दिल से नहीं, जबान से कह रहा था। तुम्हारा दिल भी झूठा और जबान भी। मेरा दिल भी सच्चा और मेरी जबान भी। बारिश कितने वाली, चलो वहां चलो।
नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। ना बुझाए आग सी लगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। क्या कहा क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ क्यों भला, आ तुझे मैं दे दो प्रेम की निशानियां। होश उड़ा जाए पांव डगमगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई, मुझे बुला लिया होता। प्यासा कुएं के पास जाता है। मैं तुमसे दया की भीख मांगने आया हूँ राजेश। जी जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानता हूँ रानी और तुम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। जी हाँ। लेकिन मैं तुम्हें उसे भूल जाने के लिए कहने आया हूं। ये आप पहले भी कह चुके हैं, समझ में नहीं आता ये आपका भेजा दबाव किस लिए। हम आपके यहां नौकरी करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको हमारे निजी मामले में दखल देने का अधिकार है। मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं तुम्हें अपना जवाई बना सकूं। तुम्हारे हाथों में अपनी बेटी का हाथ सौंप कर धन्य हो जाओ। यानी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं? चाहता तो हूं लेकिन मजबूर हूं राजेश।
मैं रानी का बाप हूं। क्या रानी? रानी आपकी बेटी है? लेकिन लेकिन रानी ने तो मुझसे कभी नहीं कहा, आपने भी मुझे कभी नहीं बताया। एक ऐसी ही मजबूरी थी राजेश, जिसने बेटी ना कहने के लिए बाप के मुंह को ताला लगा दिया। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता राजेश, मैं एक मालिक की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेबस बाप की हैसियत से प्रार्थना करता हूं, तुम अपने दिल से रानी की मोहब्बत का ख्याल निकाल दो। माफ कीजिए, आपने किसी भी मजबूरी से रानी के साथ जुल्म किया हो, लेकिन लेकिन मैं अपने और उसके उसके साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। राजेश, अन्याय तो मैं अपने आप पर कर रहा हूं, जो इस मरे हुए शरीर के बोझ को अब तक उठाए हुए हूं। बेटा, मैं सिर्फ रानी के लिए सांस लेता हूं, उसी के लिए जिंदा हूं। मैं आपके स्वार्थ के लिए अपनी अंतरात्मा और रानी को धोखा नहीं दे सकता। मुझे रानी की खुशियों का ख्याल रखने वाले दुश्मन से हमदर्दी है, लेकिन उसकी खुशियों का गला घोटने वाले बाप से कोई हमदर्दी नहीं। मैं इसी लायक हूं, मुझ में बाप तो पहले ही मर चुका था, अब बेटी के लिए अरमान भी मर रहे। राजेश, मान लो मेरी जगह तुम्हारे पिता होते और उन पर भी कोई ऐसी मजबूरी होती तो तुम्हारा फर्ज तुमसे क्या कहता, तुम्हारा प्यार तुमसे क्या कहता? क्या तुम अपने मजबूर बाप को इसी हालत में छोड़ देते? बोलो राजेश, बोलो राजेश। राजेश, मेरी जिंदगी और मौत अब तुम्हारे हाथ में है। राजेश, ठीक है, तुम भी मजबूर हो, सुखी रहो, मैं ही जाता हूं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। गॉड ब्लेस यू। इस लड़की का टाटा एक दिन मुझे बाटा के जूते खिलाएगा। अरे लिली, तू मुझे क्यों मिल पर्स? पर्स लिली, लिली ये तूने क्या किया? पर्स, पर्स भूल के चले गई, भूल गई। कौन भूल गई? हाँ बाबा, मैं पूछती हूँ कौन क्या भूल गई? राधा नहीं, राधा नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, शोभा, 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 तुम मुझे भूल गई, तुमने मुझे इस वीराने में अकेला छोड़ दिया है, नदी का किनारा। हाँ, पापा, अभी यहीं बैठूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं बैठोगी? लेकिन यहाँ क्यों बैठोगी? ये क्या है? ये घर इतना गंदा है, ये सब कौन साफ करेगा? ये मेरा बाप साफ करेगा? ये मकड़ी के जाल है, पहले सब साफ कर दो, उसके बाद आराम से। अरे ये क्या? ये क्या? ये जूता है। जूता? जूता नहीं, ये बैग। बैग नहीं है ये, अरे ये बैग। हाँ, ये बैग नहीं, ये तो पर्स है। पर्स ये मैंने तुम्हारे लिए 25 रुपए 25 पैसे में खरीदा था। अरे वाह, कितना अच्छा है बैग। शादी के बाद आज पहली बार मेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। शादी के बाद आज पहली बार जूते भी खाऊंगा। क्या? मैं जूते भी लाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम कितने अच्छे हो। चलो चाय पी लो। मैं खुद बनाता हूँ। शिवराम, हम अपना बैग भूल गए, बाय बाय, थैंक यू। ये पर्स मेरे लिए लाए थे ना, बोलो।
मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश, मैं अभी अभी तुम्हें फोन करने के लिए सोच रही थी। मैं ये सोच रहा था कि आज छुट्टी है, कहाँ मुलाकात होगी, यही ना? हाँ, मैं ये सोच रहा था आज हम सवेरा होटल में मिलेंगे। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा, आओगी ना? जरूर, क्यों नहीं आऊंगी। बाय बाय। किसने दिल की बातें सुनाई, चोरी चोरी आंखें मिलाई, कुछ निशानी, वो हंसी थी, कौन थी वो, मैं नहीं थी, लेकिन हो ना हो ये तो काम है तेरा, तूने हाँ हाँ तूने 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 ओ सनम, तूने हाँ हाँ तूने 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 ओ सनम, जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे, क्यों होने लगी जी में टिक 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 टिक। कर ले चाहे
तूने 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 ओ सनम तूने हाँ तूने 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 ओ सनम जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे जो होने लगे दिल में थैंक यू मीना थैंक यू सोनी सोनी जी बीबी जी सोनी मेरा एक काम करेगी करूंगी क्यों नहीं बीबी जी बोलो क्या करूं मेरी माँ नहीं पिताजी है लेकिन वो भी नहीं के बराबर जिसको अपने दिल का देवता समझा उसने भी ठुकरा दिया मुझे दोस्त दुश्मन साबित हुआ शायद दुश्मन दोस्त साबित हो सोनी मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो अच्छा बीबी जी आओ बीबी जी आओ कौन है आंटी आंटी मैं आपकी बेटी रानी रानी मोरी बेटी आंटी बेटी कब से आपके दर्शन की चाह थी आंटी मैं भी तो तुझे कब से मिलने के लिए तरस रही थी आंटी आप कितनी अच्छी हैं आंटी नहीं नहीं बेटी मुझे माँ कहो माँ तुम्हारे निर्दय पिता कितने बरस से अपनी माँ से बेटी को मिलने नहीं दिया बेटी वेलकम 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 मिस रानीवाला मुझे तो पूरा यकीन था तुम जरूर आओगी मनमोहन बेटी कब तक अपनी माँ से अलग रह सकती है बेटी ये अपना मनमोहन है ना तुम्हारी बहुत तारीफ करता है आंटी मुंह पर तो दुश्मन भी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे सिर्फ अपने ही तारीफ किया करते हैं ये लो अंकल भी आ गए सैयाद के जाल में पंछी को भी आन फंसा बॉस मिस्टर वासु मेनन इन आई मीन ऑन द लाइन ऑपरेटर नो कॉल्स टुडे नमस्ते आओ राजेश आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी खुशियों का गला घोंटकर रानी की आंखों में उन सपनों को तोड़ दिया जो आपकी आंखों में खटकते थे अब वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी राजेश हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा मेरा अब यहां काम करना ठीक नहीं राजेश हम किन हालात से गुजर रहे हैं ये तुम नहीं मानो इस समय तुम्हारा नौकरी छोड़कर चले जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ठीक है सर आपकी खुशी में मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा सुनते हो क्या है आज मैं एक तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं बातों ही बातों में मैंने रानी का मन टटोल कर देखा वो मनमोहन से शादी करने को राजी हो जाएगी क्या कहा हाँ रानी मनमोहन से शादी करने को राजी हो जाएगी अब तो मैं जल्दी से मुहूर्त कौन है बे? अबे जरा जोर से बोल खाना नहीं खाया क्या जोर से बॉस बॉस यस बॉस सर यस बॉस यस बॉस ओके बॉस ओके सर ओके सर राजेश राजेश बॉस ने तुम्हें घर पे बुलाया सब फाइलें और आज की डाक लेकर Thank you.
आप? जी, साहब ने बुलाया है। अकेले ही? जोड़ी से आते तो साहब से कुछ भेंट मिलती। साहब की नौकरी मैं करता, वो नहीं। सामेन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ राजेश, आज की डॉक लाए हो? जी। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक ही ठीक है। बैठो। थैंक यू सर। चाय पियोगे? जी नहीं, थैंक यू, ये लीजिए। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्यों आप ऑफिस के चक्कर में पड़ते हैं? लीजिए दवा पीजिए। मनमोहन तो ऑफिस को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, अब इनकी क्या जरूरत है? मुझे भी क्या जरूरत है, मैं खुद ऑफिस छोड़कर जाना चाहता हूँ। किसने रोका है? क्या फर्क है तुम में और उस कीड़े में जो एक पेड़ पर बैठकर, उससे खेलकर, उसकी पत्तियां खाकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है? रानी, मैं कोई कीड़ा नहीं, इंसान हूँ। और वो इंसान जिसने अपने ऊपर साया करने वाले पेड़ को भक्ति और ईमानदारी से सींचा है, काटा नहीं। तुम अपने आप को इंसान कहकर इंसान शब्द का अपमान कर रहे हो। रानी, ये मेरी तोहीन है, ये मेरा अपमान है। मैं तो चाहती हूँ मेरा जन्म बार बार तुम्हारा अपमान करने के लिए हो। भान नंदनी पाप खंडनी कोटि रवि शम भूषण चमके भू भू। वाव, हमको फंसाने के लिए नकली मुझे लगा। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? ये मेरी असली मूछ है, नकली नहीं है। असली मूछ है? हाँ जी। नकली नहीं? नहीं जी। तुम शिवराम नहीं हो? नहीं। अरे देखिए, मैं शिवराम नहीं हूँ, मैं शिवराम का पिता बलराम हूँ। अरे बारे बेटे, हमको आज उल्लू बना रहे हो क्या तुम? तुम बिल्कुल शिवराम के बाप दिखता है। ए महिला, तमीज से बात कीजिए जी। शिवराम का बाप शिवराम के जैसे नहीं लगेगा तो क्या तुम्हारे जैसा लगेगा? पर कटा पर? लेकिन सर, हमने तो इधर आपको कभी पहले नहीं देखा। पूजी, आप हमको कैसे देख सकती थी? जब शिवराम जी की शादी हुई ना, तो मैं और मेरे पिताजी दोनों गाँव गए थे। What a wonder! आप और आपका बाप? हाँ जी, मेरा बाप। लेकिन देवी जी, आप कौन है जी? मैं आपका नेबर, सोशल वर्कर, नाम लिली, शिवराम का फ्रेंड, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड। ये क्या कर रही जी? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? गो गो गो। लिली, हाय की बच्ची, कितनी बार तुमसे मना किया कि इस घर में मत आया करो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेरी बीवी के साथ सुलह की थी और तुम आ गई आग लगाने के लिए। आग लगी नहीं, अब लगने वाली है, जिसे सीढ़ी और बम्बा भी नहीं बुझा सकती। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ ये चुड़ैल घर में घुस आती है। पहले तो बेटा लात मारता था, अब तो बाप भी मारने लगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। दादाजी, दादाजी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई दादाजी। अब आपके सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ बहू? दादाजी, आज तक मैंने आपसे बात छुपा कर रखी थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। मेरा पति मेरे हाथ से निकलकर एक परकटी पैंट वाली के चक्कर में फंस गया दादाजी। परकटी पैंट वाली? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटी, ये भारत है या रोम? अरे ओम, जिस घर में ऐसा धाव पोता है और प्रेम का नाटक होता है,
उस घर को बस राम बचाए, घर का भेदी लंका ढाए। हरि ये कैसा आया जमाना, ये कैसा आया जमाना, ये कैसा आया जमाना, ये कैसा बेटे ने बाप की न मानी, न मानी न मानी, बुढ़े की कदर न जानी, न जानी न जानी, बेटे ने बाप की न मानी, बुढ़े की कदर न जानी, ये मेरी आप बीती है, किसी फिल्म की नहीं कहानी। ये कैसा प्रभु, ये कैसा आया जमाना, ये कैसा उसके बेटे को, ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। कैसी है उल्टी खोपड़ी देखो, वाह, जैसे ही मिली नौकरी देखो, शादीशुदा शादीशुदा हो के बेशरम, घर में ले आया छोकरी देखो। ये कैसा ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। अरे मैं बेचारा जा रहा था रास्ते पे, वो थी खड़ी पिताजी, ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। You tell me what to do, I don't know. You tell me what to do, मैं क्या बोलूं जी। You tell me what to do, I don't know. You tell me what to do, what to do, what to do. दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। आप करो इंसाफ करो, नहीं जी मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू आई डोंट नो, यू मैं क्या बोलूं जी। यू टेल मी, आई डोंट नो। यू टेल मी, मैं क्या बोलूं जी। मेरी बात तो सुनो, बेटी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, बदतमीजो, यूं कांडों की तरह नाच कर या कौइयों की तरह गाना गाकर फैसला नहीं हो सकता। कल इस बात का फैसला घर की अदालत में होगा। अरे मनमोहन, क्या टाम पर लिखकर लेगा? कह तो दिया तेरे शादी रानी से होगी, सोमवार के दिन सगाई का मुहूर्त निकाला है। दिन भी तय कर लिया? हाँ हाँ तय कर लिया। अंकल ठीक है ना? अरे मैंने कह दिया, इन्होंने कह दिया। अंकल ठीक है? ठीक हो या गलत, इन्होंने जो कह दिया। मतलब आपने भी कह दिया, कह दिया ना? कितनी बार कहना पड़ेगा? यस। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू मिस्टर राजेश? बहुत अच्छी। अरे बहुत अच्छी, वरना मैंने तो सुना था मरीज इश्क न दिन का रहता है न दुनिया का। देखिए मिस्टर मनमोहन, ये ऑफिसर, जरा सलीके से बात कीजिएगा। ये लो, तुम तो नाराज हो गए,
अच्छा चलो तुम्हें खुश करने के लिए खुशखबरी सुनाता हूँ, रानी बाला की शादी पक्की हो गई। वेरी गुड। अरे ये क्या, तुमने पूछा तक भी नहीं कि किस खुश नसीब के साथ? होगा कोई उल्लू का पट्टा। मिस्टर राजेश, आई बेग योर पार्डन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रानी उल्लू के पट्टे को छोड़कर इस पट्टे से शादी कर रही है। मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजूंगा, जरूर आना है। तोहफा साथ लेते आऊंगा। यू इडियट, आई एम योर बॉस, मैं खड़े खड़े बात कर रहा हूँ और तुम कुर्सी में बैठ के बात करते हो। पहाड़ में गया तू और तेरी नौकरी, बदतमीज, उस दिन की मार भूल गया। हेलो जेजा हॉस्पिटल, हेलो दिस गोपाल दास एंड कंपनी, वन एम्बुलेंस प्लीज, सिर्फ एक ही बॉडी है जिंदा है। वाह 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 मालिक, क्या जच रहे हैं आप, ये क्या बदतमीजी है? मेरा मतलब है मालिक, चश्मा कर दो, चश्मे बद्दूर, कहीं आपको नजर न लगे, आप बिल्कुल लंगूर जैसे लग रहे हैं। क्या कहा मालिक? लंगूरी एक ऐसा जानवर है जिसको नजर नहीं लगती, क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल काला होता है। बस थोड़ी सी कसर है, ये शॉल को पीछे कर लीजिए, दुम की कसर भी पूरी हो जाएगी। मैं आपको आपकी बेटी की सगाई के लिए बधाई देने आया हूं। आपने अपनी लाडली बेटी के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी तलाश किया। राजेश, हमने नहीं, हमारी मजबूरी। ये तो सुनते आए हैं, किसी मजबूर बाप ने इसलिए अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली कि वह गरीबी से मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी न कर सका। लेकिन ये कभी नहीं सुना किसी दौलतमंद बाप ने दौलत देकर अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया हो, उसकी खुशियों का गला घोंट दिया हो। राजेश, मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटने वाला बाप मैं? काश रानी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपके कहने के मुताबिक मैं रानी की जिंदगी से बहुत दूर चला गया। आप रानी के जन्मदाता हैं, उसके पिता हैं, पिता का फर्ज पूरा कीजिए। तेरी शादी मनमोहन के साथ नहीं, राजेश के साथ होगी। नहीं पिताजी, अब मैं उस निर्भय का मुंह भी नहीं देखना चाहती, बहुत बड़ा धोखा किया है उसने मेरे साथ। नहीं बेटी, उसे ये सब कुछ करने के लिए मैंने कहा था। आपने? हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो, राजेश बहुत अच्छा लड़का है। शिवराम के साथ जाओ, राजेश के पास जाओ। पिताजी, मैंने शिवराम को सब कुछ समझा दिया है। कितनी रो बेटी। पिताजी, आप रो रहे हैं। शायद ये मेरा आखिरी आशीर्वाद हो, मेरे जीवन का अंत तुझे नौजीवन दे। ऐसा नहीं कहिए पिताजी। शिवराम जी, जैसा हमने कहा है वैसा कहो। बस जाओ। Thank you.
ये सगाई नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि मैंने गलती से अपनी बेटी की तबाही का इनविटेशन आप लोगों को भिजवा दिया। अब ये सगाई नहीं होगी। आप लोग तशरीफ ले जाइए, जाइए। ये क्या पागलपन कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? खामोश। खबरदार जो फिर कभी मुंह खोला तो। अब ये सगाई नहीं होगी, जाइए आप लोग, जाइए। बेटा गोपाल, तुम चुप रहो। अंकल, 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 आप बहक रहे हैं, ये मंगनी जरूर होगी। नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। गोपाल दास, क्या कहा? गोपाल दास, मेरा फेंका हुआ टुकड़ा खाने वाले हरामखोर कुत्ते मुझे पर भौंकता है, मुझे नाम लेकर पुकारता है। फरेब की रोटी खाने वाले का नाम लेना भी गुनाह है। ये तुम क्या बकरे हो? भगवान के लिए ऐसी गलती ना करो, ये सगाई होने दो। श्यामा, इस कुत्ते से कह दो कि चला जाए यहाँ से। बंदर के हाथ हीरा नहीं सौंपा जाता। ये सगाई नहीं होगी, मेरा फैसला अटल है। अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो हम लोगों का फैसला भी सुन लो। जानता हूं तुम लोग क्या कहना चाहते हो। जाओ, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, मेरा फैसला अटल है। अच्छा मैं चलता हूं। अबे अबे सुन। अरे नहीं भाई, अभी यहां एक मिनट भी ठहरना कबाब में हड्डी के बराबर है। अब तुम इनकी सुनो, ये तुम्हारी सुनेंगे। दोनों एक दूसरे को सुनते सुनाते रहो। मैं चलता हूं। जय हिंद। लेकिन लेकिन तुम यहां कैसे आ गए? सूरज से किरण अलग कैसे रह सकती है? मैंने तुम्हें गलत समझा राजेश, मुझे माफ कर। अरे फिर कभी यहाँ देखा ना तो तेरे चार बालों तक पे ना वो भी योगी के मारे होंगे। अरे चुप रह, मैं तेरी बात नहीं सुनती। तुम मुझे गलत समझते हो। अरे बाला चुप रह, बहन बोलते रहे ना कहीं कभी। चार चुप रह, तुम चुप रहो जी, वरना इसको छोड़ के मैं तुमको धोखा डालूंगी। चुप रह। भगवान के लिए मेरी बात मैं नहीं सुनती। तुझे देख कर तुम जी यहाँ ऐसी अंगार लगती है। मैं तुम्हें फटफटी में बिठा कर लात मार के बाहर फेंक दूँ। चुप चुप। हरिओ शिव शंभु, शिव शंभु, बल बल, शिवराम जी। दादाजी, आज हम दादाजी नहीं बल्कि न्यायाधीश हैं, जो कि एक न्याय की कुर्सी पर विराजमान है। आज हमारे लिए न कोई बाप है, न कोई बेटा, न कोई पोता और न कोई बहू, सब एक समान है। अब तुम ये बताओ कि लिली अपनी फटफटी को लात मरवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? यस योर ऑनर। लिली? यस योर ऑनर। बदतमीज, खड़ी होकर जवाब दो। यस योर ऑनर। तुमने शिवराम की लात में ऐसी कौन सी खास बात देखी? योर ऑनर, मेरी मोटर बाइक शुरू हो जाती। ये झूठ बोलती है योर ऑनर। ये मेरे पति से मिलने जुलने का और घूमने फिरने का सिर्फ एक बहाना था। नो योर ऑनर, मैं सिर्फ लात लगवाने आती थी। तुम एक दिन में कितनी बार लात लगवा दी? ओनली वन योर ऑनर, सिर्फ एक ही। ये फिर झूठ बोलती है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये झूठ बोल रही है? क्योंकि मैं अपने पति की ताकत को अच्छी तरह जानती हूँ। ये एक लात में स्टार्ट ही नहीं हो सकता। वापस आओ अपनी जगह पर। हुजूर वाला, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना है जी। तुम कौन हो जी? मैं इस मकान की अदालत का वकील हूँ योर ऑनर, वकील। तुम्हें आज्ञा दी जाती है, तुम बयान जारी करो। योर ऑनर, शिवराम का बार बार लात मारना, मेरा मतलब एक से ज्यादा लात मारकर इस फटफटी को चालू करना, और लिली का शिवराम से आकर मिलना बकौल शोभा के जरूर कोई मानी रखता है। ये तो साफ बात है, लिली का आना शिवराम से मिलने का एक बहाना है। I see. लेकिन योर ऑनर, अगर शिवराम की एक ही लात में ये फटफटी चालू हो जाती है, फिर तो ये कहना पड़ता है कि शिवराम की लात के अंदर जादू है जी, जादू।
क्योंकि अक्सर सड़क पर यह देखा गया है कि फटफटी को चालू करने के लिए लोग बार बार लात मारते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये मानना पड़ेगा योर ऑनर कि लिली का शिवराम से मिलने का कोई गलत बहाना नहीं। ये हम यहाँ हजामत के लिए नहीं आए हैं, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तुम बैठो बैठो। आरोपी शिवराम जी। माए बाप? अबे गधे, हम तुम्हारे माए बाप नहीं बल्कि दादाजी हैं। योर ऑनर, आप तो दादा भी नहीं है, आप तो कोर्ट के जज हैं जी, जज। सत्य वचन बलराम, सत्य वचन। आरोपी शिवराम, अब तुम कटेरे से नीचे उतरो और इस फटफटी को एक लात मारो। अगर ये फटफटी एक लात में शुरू हो गई तो तुम अपराधी नहीं, और अगर ये शुरू नहीं हुई तो तुम अपराधी हो। लात मारो। हे भगवान! अबे लात मारता है या मैं तुझे लात मारूं? नहीं, मुझे एक चांस और दीजिए, एक चांस। नहीं, तुम अपराधी हो। मिस्टर जज, तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब मूर्ख हैं? ऑफ कोर्स, तुम्हारे पोते का वाइफ भी मूर्ख है। योर ऑनर, मैं एक सोशल लड़की हूँ, किसी के साथ घूमने फिरने में मैं कोई गलती नहीं समझती। मैं यही आपके बाजू में रहती हूँ। शिवराम मेरे भाई के जैसा है। मेरा भी एक भाई था जो वॉर में मारा गया। शिवराम बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, और जब भी मैं शिवराम को देखती तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा खोया हुआ भाई वापस मिल गया है, और उसीलिए मैं इधर रोज आया करती थी। शोभा बहन, आपका हस्बैंड बहुत ही अच्छा आदमी है। मर्द को अपनी औरत पर और औरत को अपने मर्द पर यकीन होना चाहिए, तो ही फैमिली हैप्पी हो सकती है। वाह 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 लिली, क्या बात कही तुमने, लाख रुपए की बात कही तुमने। अब देखो। आड़ा 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 आड़ा। घरेलू दफा 007 के मुताबिक हम लात मारू शिवराम को बाइज्जत बरी करते हैं। गोपाल दास, आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। जी हाँ, मुझे मालूम है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए 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 चलिए। क्या किया इन्होंने? आज से बहुत साल पहले इन्होंने अपनी पहली बीवी का खून किया। खून? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते। मैडम, आपको जो कुछ कहना है अदालत में जाकर कहिए। आंटी, आंटी जी, ये पुलिस क्यों आई थी? मनमोहन, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। मनमोहन बताओ, पुलिस को किसने खबर की कि उन्होंने किसी का खून किया है? किसने खबर दी? किसने खबर की? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। तुमने मेरा घर उजाड़ा, तुम मेरे माँ बहन नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। निकल जाओ यहाँ से। मैं कैसे निकल जाऊँ? इसे पहले निकाल दो। निकालो! अरे अरे, मैं बात तो सुन। बाबू चला, मेरे पिताजी जेल में, उन्होंने मेरे माँ की हत्या की। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों न गई? रानी, किसी बात को अच्छी तरह जानने से पहले अधीर नहीं होना चाहिए। ये मनमोहन बहुत जलील इंसान है, ये सब उसी की चाल है। क्यों शिवराम? बिल्कुल ठीक है, मनमोहन जैसा जलील आदमी तो दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अरे आज तक उसकी ब्रीडिंग का पता ही नहीं चला। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रूपा, आखिर पाप का घड़ा भर गया। तुम्हारी हत्या के जुर्म में गोपाल दास पकड़ा गया। ये देखो। नहीं नहीं, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मैं जिंदा हूँ काका।
अभी तक उस पापी के लिए तुम्हारे मन में दया है। काका, उनके दिल में भले ही मेरे लिए जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए दया भी है और प्यार भी है। वही मेरे लिए सब कुछ है काका। मुझे बचा लो काका, सबसे कह दो मैं जिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ काका, कह दो मैं जिंदा हूँ। क्या कहा? गोपाल दास की पहली बीवी रूपा जिंदा है? जी हाँ, मैंने ही उसकी जान बचाई और आज तक उसको अपनी बेटी की तरह सहारा देता रहा। जल्दी से पुलिस को खबर करो बाबू, और गोपाल दास जी को बचा लो। यस बॉस। शिवराम, जरा जल्दी से घर के लाइन दो। ओके बॉस। हेलो, गुड मॉर्निंग मालकिन, मोहन बाबू से बात कीजिए। स्पीक यस सर। हेलो हेलो आंटी। क्या है मनमोहन? आंटी, वो रानी की माँ रूपा जिंदा है। जिंदा है? एक हरबंस नाम का आदमी यहाँ ऑफिस में आया है। आंटी, मैं तुमसे कहता था ना, अगर बेटी जिंदा है तो माँ भी जिंदा होगी। अच्छा अच्छा, तो फिर हम हरबंस को लेकर रूपा के पास जाएंगे, और फिर रूपा को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, और फिर उन्हें जेल से छुड़ा लेंगे। हाँ आंटी, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आता हूँ। अच्छा, क्या मेरी माँ? हाँ। मेरी माँ। अरे यार, ये क्या लपटम लपटी, जल्दी करो। देखो, मनमोहन रानी की माँ के पास गया, कहीं उल्टा ना कर दे। चलो, मैं भी चलती हूँ। नहीं रानी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, तुम अपना ध्यान रखो, हम लोग चलते। चलो बेटी। बेटी देखो कौन आया है। आप रूपा देवी हैं? जी। आप श्यामा जी हैं? नमस्ते बहन। अनजाने में ये गलती हो गई है। आज तक मेरे जीवन में यही एक संतोष की बात थी कि वो जहाँ कहीं भी रहे सुखी रहे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सुख भी अब मुझसे छीना जा रहा है। ये तुम कह रही हो बहन, उसके लिए जिसने तुम्हारे जीवन का सारा सुख छीन लिया। नहीं नहीं बहन, मुझे माफ कर, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तो जन्म से ही अभागन, एक खूबसूरती का भूखा इंसान, ब्याह मंडप में मुझे ठुकरा कर जा रहा था तो इन्होंने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार किया। आप बातों में टांग क्यों खराब कर रही? चलिए ना, जल्दी चलिए ना। हाँ बहन। कंपनी के छोटे साहब है, क्या नाम है? ओ, मनमोहन, मनमोहन। और उनके साथ एक सेठानी आई थी, वो वही रूपा को साथ ले गई। अच्छा, पुलिस स्टेशन सीधा आपकी तरफ है ना? लेकिन वो तो गया इधर। राजेश मर गए, पुलिस स्टेशन खाने की आपकी तरफ है और वो लोग धोने की आपकी तरफ है। अभी जल्दी करना। क्या तुम हमें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे? क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूं और गोपाल दास को जेल से छोड़ो? मनमोहन, ये क्या कह रहे? मैं उस औरत को उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ से वो कभी वापस ना सके, और गोपाल दास पर लगा हुआ जुर्म हमेशा के लिए कायम रहे। नहीं नहीं मनमोहन, इस देवी के दर्शन करते ही मेरे पाप का पागलपन दूर हो चुका है। ये देवी 20 बरस तक अन्याय की चक्की में पीस कर भी उनके जीवन की कामना कर रही है, और मैं उनके साथ सुख और सौभाग्य का जीवन बिता कर भी
उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जीप मोड़ो मनमोहन, मैं कहती हूँ जीप मोड़ो मनमोहन। उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया, मैं उन्हें फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ने दूंगी, नहीं चढ़ने दूंगी मनमोहन। भगवान के लिए जीप मोड़ो मनमोहन। आंटी, कान खोल के सुन लो, रानी बाला को मैंने होटल डिलक्स में बंद करके रखा है। मैं तुम सबको मौत की घाट उतार करके उससे शादी करूंगा और शादी करके उसकी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा, समझे? जल्दी करिया। रुको। मालकिन, मालकिन, मालकिन। राजेश, राजेश, सुना, सुनो, जो, कृपा देवी को बचा, नहीं तो वो मनमोहन उन्हें मार डालेगा। मेरी, मेरे चिंता न करो, और हाँ, रानी बेटी को मनमोहन डिलक्स होटल में बंद रखा। जा राजू, जल्दी जा। तुम इनके ध्यान रख, मैं उनके पीछे जाता हूँ। इस बुढ़िया को नदी में फेंक दो। जी साहब। नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
आधा आधा दिख रहा मेरे को, एक दुकान बंद हो गई, मुंह पाव रोटी, कमर भी गई है। क्या बात है शिवराम, ये लोग अभी तक कैसे नहीं आए? मुझे तो बड़ा डर लगता है। अरे डरो नहीं, राजेश शिवराम थोड़ी है जो फड़वा के आएगा कपड़े। अरे वो तो फाड़ कर आएगा कपड़े। यह है तुम्हारी माँ रूपा, यह है तुम्हारी बेटी रानी। राजेश, क्या हुआ शिवराम, ये सब कैसे हो गया? मेरी फिक्र मत करो, मेरी तो सारी बिल्डिंग टूट गई है, मालकिन अस्पताल में है, उनको चल के मिलो। चलो श्यामा, मुझे माफ कर दो, ऐसा ना कहो बहन। सुना रानी की शादी राज पिताजी, बेटे, जीती रहो। बेटे, मुझे माफ कर देना, मैं पागल हो गया था। बेटे, मैंने वो गलती नहीं की जिसके लिए तुम दोनों ने घर छोड़ दिया था। पिताजी, बेटे, शोभा कहाँ है? पिताजी, उसकी शादी हो चुकी है और वो एक बच्चे की माँ भी है। अच्छा, लीजिए, वो आ रही है। शोभा, ये मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी हैं? तुम मेरे ससुर जी हैं? ससुर जी, जी ससुर जी, ये आपका नवासा। मुबारक। मेरे जाने 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 समझ में नहीं आता कि बाप पर गया है कि दादा पर गया है कि परदादा पर। जाने